एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 67 जिज्ञासा दीदी और ज्ञान के बीच की बातचीत से काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे। तो जिज्ञासा दीदी क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो ज्ञान जवाब देता है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है। जब एक ऑब्जेक्ट प्रोसेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी तो ये मूव करता है, और जब नहीं होती काइनेटिक एनर्जी तो ये रेस्ट पे रहता है। सपोज रनिंग वाटर, मूविंग कार या रोलिंग स्टोन, ये सब काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की एक प्रॉपर डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स मोशन। तो ये किस किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहा गया कि जब ज्यादा मास होगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बतानी है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जो मैथमेटिकल एनर्जी है इसके लिए वो है कि ई के, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 mv² के इक्वल होता है ये हमारा। तो जब जीरो होता है किसी चीज का मोशन तो वो जीरो ही होता है। एन ऑब्जेक्ट है मास 10 kg है, जिसका मूव कर रहा है वेलोसिटी 4 m/s के हिसाब से। तो फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी उसकी। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 kg, वेलोसिटी 4 m/s, तो 1/2 × 10 × 4 का स्क्वायर। तो 2 को 10 से काट देंगे 5, तो 5 × 4² यानी 5 × 16 80 जॉल आ गया। एनर्जी हमेशा जॉल में आती है। इसी तरह से सेकंड होगा आप लोगों का, सेकंड में आप यू और वी निकाल लेंगे 25/3 m/s एंड 50/3 m/s। तो 1/2 × 1500/50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,56,250 जॉल। डिफाइन करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। इट्स फॉर्मूला इज 1/2 mass × velocity² अगला, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है गराज में खड़ी है, तो उसका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी जीरो। थर्ड है आपका, किन फैक्टर्स पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है, तो वेलोसिटी एंड मास पे। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, एक ऑब्जेक्ट मास एम है जिसका 5 m/s के हिसाब से 25 जूल है, अगर इसको डबल करे तो क्या करते हैं। तो जब भी कोई चीज डबल होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 times हो जाती है, तो ये 100 joule हो जाएगी। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ है एक फोर्स लगी एक बॉडी 20 kg पे, 5 m/s उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल 2 m है, तो कम हो गई। तो यहाँ पे आप निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 250 joule और फाइनल 40 joule। तो जब आप इसे देखेंगे क्या वर्क डन किया गया है, ये हमारा आएगा -210 joule, यानी यहाँ पे रिटार्डेशन हुई है इसलिए ऐसा होगा। तो इस तरह से आप लोग ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए।